सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का, जो कि हम तवे पे बनाएंगे और बहुत यमी, बहुत टेस्टी। आप तंदूरी पनीर टिक्का मिस नहीं करेंगे, ये गारंटी है। ये मैंने उसी पनीर से बनाया है जो इससे पहले मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, हर्ब्ड पनीर की। उसी पनीर का यूज़ मैंने किया है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं पनीर टिक्का रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे हाफ कप दही, जो कि हंग कर्ड है। इसके अलावा 5-6 कलियां लहसुन की और आधा इंच अदरक का टुकड़ा, दोनों को मैंने ग्रेट कर लिया है। इसमें हम डालेंगे करीब आधा चम्मच हल्दी, मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, 1 चम्मच करीब इसमें डलेगा धनिया पाउडर, 1 चम्मच मैंने 1 चम्मच डाला है चाट मसाला और करीब 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1/4 स्पून या 1/2 स्पून आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए। और मैंने इसमें डाला है पाव भाजी मसाला, इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच भुना हुआ बेसन। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे इसमें सॉल्ट और ये है ऑलिव ऑयल। इसको मैंने गरम कर लिया है अच्छे से और फिर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल। आप करीब 4 चम्मच डाल सकते हैं। अब क्योंकि ये बहुत गाढ़ा हो रहा है तो अब मैं इसमें 3-4 चम्मच दही और डाल रही हूँ। दही अगर आपका खट्टा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर खट्टा नहीं है तो आप थोड़ा सा इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं। ये मैरिनेशन हमारा रेडी है। अब इसमें हम क्या मैरिनेट करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले इसमें डाल लीजिए थोड़ी सी हरी चटनी। तो मैंने कुछ 2-3 प्याज और 2-3 शिमला मिर्च, इनको क्यूब्स में काट के रख लिया है, ये देखिए। और ये हर्ब्ड पनीर, इसकी रेसिपी मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इनके भी बड़े बड़े पीसेस हम कर लेंगे। अब इनको सबको मैरिनेट करना है और मैरिनेट करने के लिए करीब इसको 1/2 घंटा छोड़ दीजिए। सबको अच्छे से हाथ से मिक्स करिए, नहीं तो पनीर के टुकड़े सॉफ्ट होते हैं, टूट सकते हैं। करीब 1/2 घंटे बाद हम इसको, जो स्टिक्स हैं हमारी टिक्का स्टिक्स, उसमें हम इनको 1 by 1 डालेंगे। सबसे पहले मैंने शिमला मिर्च डाली है जो कि एक स्टॉपर का काम करेगी। और फिर आप देखें प्याज, फिर पनीर, फिर शिमला मिर्च, प्याज, पनीर, इस तरह से। ये स्टिक्स छोटी हैं तो इसमें 2 या 3, इससे ज़्यादा पनीर के पीसेस नहीं आ सकते। अभी हम तवे पे थोड़ा सा घी स्प्रेड करेंगे। घी या ऑयल आपको जो अच्छा लगे उसको स्प्रेड करिए। और
और इस तरह से पनीर टिक्का रख दीजिए और इसको पलट पलट के आप सेक लीजिए। ऐसे हल्का हल्का घी और लगाते जाइए। तो ये देखिए हमारा पनीर टिक्का बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से हम सेकेंड लॉट, थर्ड लॉट, जितने आपको लॉट करने हैं आप बनाते जाइए। अगर रेसिपी पसंद आए तो आपको लाइक ज़रूर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें, एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आई होप रेसिपी आपको पसंद आई है। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।